बीते जमाने की मशहूर पार्श्व गायिका मुबारक बेगम शेख अब हमारे बीच नहीं रही। 80 साल की मुबारक बेगम लंबे अरसे से बीमार चल रही थी। सोमवार की रात मुबारक बेगम ने मुंबई के जोगेश्वरी में अपने आशियाने में अंतिम सांस ली। आइए देखते हैं रिपोर्ट। किसी जमाने में अपनी आवाज से लाखों लोगों को दीवाना बनाने वाली मुबारक बेगम अब हमारे बीच नहीं रही। लंबे अरसे से बीमार चल रही मुबारक बेगम अपने आखिरी दिनों में बदहाली की जिंदगी जीने को मजबूर थी। मुबारक बेगम गरीबी की हालत में मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में अपनी बीमार बेटी और टैक्सी चालक बेटे के साथ रहती थी। उनकी बेटी की मौत के बाद से ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। काफी सालों से महज पेंशन पर ही उनका गुजारा चल रहा था। बॉलीवुड के साथ इतने साल गुजारने वाली मुबारक को वहां से भी कोई आसरा नहीं मिला और वो धीरे धीरे गुमनामी के अंधेरों में खोती चली गई। उनका अंतिम संस्कार मंगलवार की सुबह 11 बजे मुंबई के ओशीवारा कब्रिस्तान में किया गया। मुबारक बेगम का जन्म 1940 में हुआ था। फिल्मों में आने से पहले इन्होंने अपने करियर की शुरुआत आकाशवाणी से की थी। मुबारक बेगम फिल्मों में उस दौर में आई थी जिसे की संगीत के लिहाज से हिंदी सिनेमा का स्वर्ण काल कहा जा सकता है। 1950 से 1970 के दशक के बीच मुबारक बेगम ने सैकड़ों गीतों और गजलों को अपनी आवाज दी थी। राजस्थान में जन्मी और अहमदाबाद में पली बढ़ी मुबारक बेगम को फिल्मों में बड़ा ब्रेक 1958 में रिलीज हुई फिल्म मधुमती के गाने हाले दिल सुनाइए से मिला। यह फिल्म उस दौर की सुपरहिट फिल्म साबित हुई। 1961 में रिलीज हुई केदार शर्मा की फिल्म हमारी याद आएगी में गाए गाने कभी तन्हाइयों में यूं हमारी याद आएगी से उन्हें शोहरत मिली और इसके बाद इन्होंने एक से बढ़कर एक नगमे इंडस्ट्री को दिए। इस दौरान इन्होंने तमाम बेहतरीन संगीतकारों जैसे आरडी बर्मन, शंकर जयकिशन और खय्याम के साथ काम किया, लेकिन उस दौर की कई प्रतिभाशाली गायिकाओं की तरह मुबारक बेगम एक तरह से लता मंगेशकर और आशा भोसले की जोड़ी की तले पनप नहीं पाईं। इन्हें कुछ अच्छे गाने तो मिले लेकिन लता जैसा स्टारडम इन्हें कभी हासिल नहीं हो सका। भले ही मुबारक बेगम को वो नामो इकराम ना मिला हो जो दूसरी गायिकाओं को मिला, लेकिन संगीत प्रेमियों की जहन में वो अपने गीतों के जरिए हमेशा जिंदा रहेंगी। उगते हुए सूरज को हर कोई सलाम करता है, डूबते से हर कोई बचकर निकल जाता है। 175 से ज्यादा गीतों को अपनी आवाज देने वाली सदाबहार गायिका मुबारक बेगम भले ही खामोश हो गई हों, पर उनकी आवाज अमर रहेगी। देखते रहिए एडीबी लाइव।